नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 67 एसटी बस्ती में आदिवासी परिवारों कच्चे मकान में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने मोहताज है। कैंट विधानसभा क्षेत्र विधायक अशोक रोहाणे के सहानुभूति एवं आश्वासन प्राप्त हो रहा है। नगर निगम अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद रिंकू विज आदिवासी क्षेत्र की ओर किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई हालचाल और दुख मुसीबत जानने की कोशिश नहीं किया। वार्ड क्रमांक 67 की इस बस्ती में कई मकान धराशायी हो गए हैं और कुछ होने के कगार में हैं। बारिश के चलते गिरे हुए थे, जिनके भरपाई के लिए आदिवासी परिवार नगर निगम के चक्कर आए दिन लोग काट रहे हैं। नगर निगम के चक्कर काटते काटते लोगों के पैर थक चुके हैं, उनके पैरों की चप्पल तक घिस गई। परंतु नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है, आपके पास पर्याप्त जमीन न होने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। कहीं टैक्स का हवाला देते हैं, कम ही जमीन की पूरी न पाई गई का हवाला देते हैं। यह सब नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और वर्तमान विधायकों की यहाँ का रवैया रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का है, मिलता हुआ किसी और को। हम बस्ती वाले विगत कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है और आगे भी रहेंगे। विगत कई वर्षों से अशोक रोहाणे विधायक पद में विराजमान है, परंतु इस हरिजन बस्ती को आज भी यहाँ पर नहीं है। इस क्षेत्र की और जिला प्रशासन कभी नहीं आते, बोर्ड के लिए सिर्फ आते हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं इसके बाद कभी भी मुड़कर नहीं देखते। जो भी विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं। एमपीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। मिले हैं क्या करें भैया जी, मजदूरी लगती नहीं है, मकान बनाएंगे क्या क्या करेंगे है? और क्या कहते वो तो सोते हैं तो कहो कोई तरफी से एक तरफी से तो गिरा गाँव है और बुलाओ तो उन गए पटवारी के तो नहीं आए पटवारी देख बुख है बोटन के ना नहीं आ जात हाथ जोड़ा था पाँव पड़ा था कहते नहीं आया है पैसा आ है पैसा आज तक नहीं आओ। रिंकू विराज इस बार रिंकू विराज क्या कहते हैं आपके यहाँ के क्षेत्र के विधायक के बारे में, हमने कभी बताया नहीं इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारी पूरे बस्ती बच्चे थे करके कार्रवाई कछु नहीं हुई। कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आपने जानकारी देने के बाद भी उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, और घर भी गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशानी है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े बड़े घोषणा कर रखे हैं कि आप लोग को मकान बना के दे रहे हैं, आप लोग मकान से कैसे बच्चे पैसा आ गया तो रुक जाते बोलते है कौन सी बस्ती है, क्या एरिया है, नाम क्या है? ये रानी अवंती भाई वार्ड और क्या नाम है? रानी अवंती भाई वार्ड 67 नंबर। कब से ये मामला चल रहा है ऐसे? बहुत साल हो गए भैया, 20-25 साल हो गए। जब से यहाँ पे कोई पैसा नहीं आ रहा ना, कोई कुछ नहीं होता। नेता आते हैं वोट ले लेते हैं और बोलता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो दोबारा नहीं आते वे लोग। लेकिन हम लोग बहुत परेशान है, हम वैसे गरीब है, हम बना नहीं सक रहे, तो हमें कोई ना कोई सुविधा या मदद दी जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े घोषणा कर रखे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के आवास योजना के लाभ भी मिला, आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो कि आप लोग को प्रधानमंत्री के पैसा नहीं मिला, ये कैसा आरोप है आपका? ये 10 साल होने जा रहे हैं अशोक रोहाणी जी को, यहाँ आते हैं सिर्फ वोट के लिए बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, हम ये करवा देंगे हम वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ लेकिन कोई भी चीज नहीं है। और ये रिंकू ब्रिज जी को यहाँ ये दूसरी पंचवर्षीय होने के लिए जा रही है तो उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मकान के लिए फॉर्म भरे गए थे, बोलते हैं 450 स्क्वायर फीट की आप मकान टैक्स की रसीद लेके आइए। भाई जिसके पास 100-150 स्क्वायर फीट की मैं जो आदमी जो गुजर बसर कर रहा है भाई, उनके पास तो उतने ही मतलब मकान टैक्स की रसीद है। उसके बाद फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन पार्षद जी के यहाँ पे लेकिन बोर्ड रद्द पूरे रद्द कर रहे हैं। भाई हमको चाहिए 450 स्क्वायर फीट की मकान टैक्स की रसीद, तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे? क्या आपको यहाँ पे सुविधाएं को नगर निगम की तरफ से नहीं मिला है क्या? कुछ नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। अमृत जल योजना के लिए जा वहाँ पे बोलते हैं की आप रसीद कटवाइए, ये करवाइए वो करवाइए, सारे लोग नल के 5-5 हजार रुपए गरीब मजदूर आदमी है, सरकारी नल
गरीब मजदूर आदमी है जो पानी के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग, पानी के लिए कहाँ जाते हैं? हैंडपंप से लेके आते हैं, हैंडपंप से लेके आते हैं, वो भी हैंडपंप अगर मान लीजिए। अगर कौन सा बस्ती यहाँ पे, किस किस हरियन समाज वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ग्राम छेवला गांव है ये, यहाँ पे हरिजन आदिवासी दो समाज के ही लोग यहाँ पे हैं, और कम से कम नहीं है तो कम से कम 400-500 के ऊपर के घर की बस्ती है। ये इस क्षेत्र के पार्षद का नाम क्या है? इस क्षेत्र के पार्षद का नाम रिंकू ब्रिज। इन्होंने कभी देखने नहीं आया? जी नहीं, और जब से नगर निगम अध्यक्ष वार्ड मेंबर जो बने हुए हैं तो और भी मतलब वो नहीं देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार चौधरी। मकान भैया 6-5 कितने हुए? 6 महीने होगा भैया। एक भी सुनाई नहीं है यहाँ की, बोले कि कुछ मदद मिलेगी वो भी नहीं मिली है, और यहाँ पे कोई देख भी नहीं आ रहा है। बता हमारे 2 लड़का चले गए, हम ऐसी डरे हैं। और एक जन की बात नहीं है, यहाँ हर घर की बात है, हर घर गिर रहा है, और किसी की जान पे आफत हो तो फिर वो सरकार ध्यान। यहाँ के विधायक को आपने बताया क्या? बताया है। क्या नाम है विधायक का?